हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं अभय टॉक। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि रोज हमारी वीडियोज आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल फोन है तो दोस्तों यह वीडियो आप ही के लिए है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे फोन की इंटरनल मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वो बिना किसी एक्सटर्नल ऐप के, सिर्फ एक कोड के द्वारा, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे फ़ोन की इंटरनल मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वही बिना किसी एक्सटर्नल ऐप के द्वारा, सिर्फ एक कोड से, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मोबाइल के स्क्रीन पर हम देखते हैं। सबसे पहले आप मोबाइल के सेटिंग में जाइए। फ्रेंड्स, सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आप मेमोरी को चेक कर लीजिए कि इसमें कितनी मेमोरी फ्री है। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 16 GB में से 11.15 GB का इस्तेमाल हो चुका है। फ्रेंड्स, अब हम बैक चलते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक कोड टाइप करना होगा, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, *#9900। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको कॉलिंग बटन नहीं दबाना है, सिर्फ एक ही बटन दबाना है हैश का। और देखिए, हैश का बटन दबाते ही ये खुल चुका है। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन फ्रेंड्स जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो कि यहाँ पर सिस्टम डंप लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, जिस ऑप्शन को आप नहीं जानते हैं उसको टाइप नहीं करेंगे, अन्यथा आपका फ़ोन डंप हो सकता है, क्रैश हो सकता है, ख़राब हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको मैं जो बता रहा हूँ उसी ऑप्शन को टाइप करना है, क्योंकि आपको केवल मेमोरी को फ्री करना है। तो फ्रेंड्स, ऊपर से दूसरा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, डिलीट डंप स्टेट और लॉक कैट, फ्रेंड्स उसको हम टैप करते हैं। फ्रेंड्स, इसको हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद थोड़ा देर वेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बैक चलते हैं और देखते हैं कि फ़ोन मेमोरी फ्री हुई है या नहीं हुई है। फ्रेंड्स, हम बैक चलते हैं। फिर चलते हैं फ्रेंड्स सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स हम आते हैं स्टोरेज में, और स्टोरेज में देखते हैं फ्रेंड्स कि देखिए 11.15 था, ये 11.16 हो गया, मतलब कि 100 MB हमारी मेमोरी फ्री हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये प्रूफ रहा आपके लिए। फ्रेंड्स, ये इतनी कम मेमोरी 100 MB ही इसलिए फ्री हुई क्योंकि मैंने कल ही रात को इसको ऑलरेडी इसको फ्री किया हुआ था, उस समय मेरी 500 MB की मेमोरी फ्री हुई थी। तो दोस्तों, इसमें आपको 100 MB से लेकर के 1000 MB तक की मेमोरी फ्री हो सकती है और आपका फ़ोन फास्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।